मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ट्रेडिंग गलत चीज़ है, हाँ लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ट्रेडिंग हर इंसान के बस की बात नहीं है। हेलो एंड नमस्ते पेचेक ट्रोल्स, मैं हूं मनीष आहुजा और यह है पेचेक टू प्रॉफिट, इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो डेडिकेटेड है आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूं 4th, 14th और 24th ऑफ एवरी मंथ को, और ये वीडियोस मैं बनाता हूं हिंदी और इंग्लिश में, ताकि अगर आप किसी एक भाषा से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप उस भाषा में अपने ये वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, फिनेंसेस, टैक्सेस, इन सारे टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक के ऊपर किसी भी तरह का सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में ये सवाल पूछना ना भूलें, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करके आपको उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर वो कोई ऐसे टॉपिक के बारे में हो जिसके बारे में मैं वीडियो बनाकर उसका जवाब दे सकूँ तो मैं उसके बारे में ज़रूर एक वीडियो भी बनाऊँगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा दो ऐसे टर्म्स के बारे में जो आपने सुने तो होंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है काफी लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन दोनों टर्म्स के बीच में कोई फर्क पता ही नहीं होगा। ये दो टर्म्स है इन्वेस्टर और ट्रेडर। हुए थोड़े कंफ्यूज मत होइए, इस वीडियो के खत्म होते होते आपको पता चल जाएगा इन दोनों टर्म्स के बीच में फर्क होता क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो का टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है और बाय एनी चांस अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हर बार जब मैं नए वीडियोस बनाऊंगा तब आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और आप हमारे चैनल के साथ अपडेटेड रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में और शुरू करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। इन्वेस्टर्स जैसे सुनाई देता है वो ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें अलग अलग तरह के शेयर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। ये सारे शेयर्स का सिलेक्शन वो अपने रिसर्च, स्टडीज या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। इन्वेस्टर्स ये पोर्टफोलियो को या जितने भी शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है ओवर अ मीडियम टू अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट के हिसाब से मीडियम टर्म गिना जाता है 2 से 3 साल के बीच में और लॉन्ग टर्म गिना जाता है 3 से 5 साल के बीच में, लेकिन टेक्निकली 3 साल के ऊपर कितना भी लंबा हो उस टाइम पीरियड को लॉन्ग टर्म ही गिना जाएगा। ऐसे काफी लोग हैं जो दशकों तक एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टेड रहते हैं। इन्वेस्टर्स पैसा कमाते हैं मार्केट से जो पोर्टफोलियो है उसमें इन्वेस्टेड रहकर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शेयर्स में इन्वेस्टेड रहने से शेयर की जब वैल्यू बढ़ती है तब इन्वेस्टर का इन्वेस्टेड पैसा उस शेयर की वैल्यू के साथ बढ़ता है। अगर आपने कोई शेयर 100 रुपये में ख़रीदा है और 10 साल के बाद अगर उस शेयर की वैल्यू 1,000, 1,500, 2,000 अगर ऐसे बढ़ गई है तो उसके बीच का जो डिफरेंस हुआ वो आपका मुनाफा हुआ, वो आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स हुआ। इन्वेस्टर्स के दूसरे तरफ हैं हमारे ट्रेडर भाई बहन। ट्रेडर एज अ कम्युनिटी रिस्क टेकिंग कम्युनिटी होती है शेयर मार्केट की। ट्रेडर्स के बगैर शेयर मार्केट फीका फीका हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा ट्रेडर्स रिस्क टेकर्स होते हैं। ट्रेडर्स हो सकता है एक शेयर में आज इन्वेस्ट करें और कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों बाद, दिनों बाद, हफ्तों बाद या महीनों बाद वो शेयर को वो स्क्वायर ऑफ कर दें। ट्रेडर्स मार्केट के उतार चढ़ाव, तेज़ी मंदी से सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इसके लिए ट्रेडिंग करने के लिए आपका एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, फियर और ग्रीड, ये सारे जो टर्म्स हैं जो मार्केट के साथ एसोसिएटेड होते हैं ये जनरली ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया स्क्वायर ऑफ क्या होता है, स्क्वायर ऑफ मतलब जो आपने ट्रेड ली है, अगर आपने पहले शेयर खरीदे हैं तो उसको बेच देना, अगर आपने पहले ही शेयर बेच दिए हैं तो उनको खरीद कर सेट ऑफ कर लेना। पेचेक टू प्रॉफिट एज अ चैनल, एज अ कम्युनिटी का जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि हमारे जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल सब्सक्राइबर्स हैं उनको अपने पेचेक से प्रॉफिट तक के रास्ते पे लेके जाना। हम आपको इस चैनल पर फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ट्रेडिंग गलत चीज़ है, हाँ लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ट्रेडिंग हर इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए इस चैनल पे मैं ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आप कोई ऐसे सब्सक्राइबर हैं या ऐसे व्यूअर हैं जिन्हें ट्रेड टेक्निकल ट्रेडिंग के बारे में या शेयर मार्केट के टिप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस चैनल पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आप ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको हर इन्वेस्टमेंट के पहले क्या जानकारी होना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग के दुनिया में, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेचेक टू प्रॉफिट के बारे में और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बस पेचेक प्रोस, आज के वीडियो में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।